हेलो पीपल, वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और अभी मैं चला रहा हूँ मारुति सुजुकी की XL6 और ये है इसका मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन। अब XL6 में आपको सिर्फ एक BS6 कंप्लायंट पेट्रोल इंजन मिलती है। दिस इज द 7th मारुति सुजुकी कार विच नाउ कम्स विद अ BS6 रेडी इंजन वेल अहेड ऑफ इट्स टाइमलाइन। तो BS6 के जो टाइमलाइन है वो एनफोर्स होने वाले हैं फ्रॉम अप्रैल 2020, लेकिन मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियों के साथ आज की डेट में रेडी है टू ऑफर दैट टेक्नोलॉजी टू यू। अब आज जो वेरिएंट मैं चला रहा हूँ इसके साथ ऑब्वियसली आपको सेम इंजन ही मिलता है, आपको एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है एंड यू हैव टू वेरिएंट्स, तो जीटा एंड अल्फा, एंड यू हैव द सेम 1.5 लीटर इंजन इन अ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक इन बोथ दोस ट्रिम लेवल्स। इस गाड़ी की इंजन जो है यू हैव अ 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, टर्बोचार्ज नहीं है ये पेट्रोल इंजन, बट यू हैव SHVS टेक्नोलॉजी। ये इंजन जो है प्रोड्यूस करती है 104.69 PS ऑफ पावर एंड 138 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और 19 KMPL से ज्यादा का माइलेज क्लेम मारुति सुजुकी कर रही है इस गाड़ी में से। अब इस वीडियो में बात करेंगे कैसी है ये गाड़ी चलाने के लिए, इज दिस अ गुड फैमिली कार और नॉट, एंड हाउ इजी इज दिस मैनुअल गियरबॉक्स टू यूज। अब जस्ट लाइक एवरी अदर मारुति सुजुकी, जब आप ड्राइवर पोजीशन पे बैठते हो यू फील वेरी कंफर्टेबल, इट इज वेरी इजी टू फाइंड अ गुड ड्राइविंग पोजिशन, आपको व्यू काफी अच्छी मिल जाती है ऑल अराउंड, सो यू विल नॉट बी यू नो हैविंग टू मच डिफिकल्टी इन गेटिंग अ गुड कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजिशन। ऑल्सो विजिबिलिटी में ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं क्रिएट हो रहे हैं, सो दैट ऑल्सो इज वेल टेकन केयर ऑफ। यस, ये गाड़ी लंबी है, दिस इज एन MPV विद अ लिटिल SUV डिजाइन ट्रेट, लेकिन फिर भी आपको चारों कोने गाड़ी के आसानी से समझने में दिक्कत नहीं होने वाली है इन दिस XL6, सो ड्राइविंग दिस इनसाइड द सिटी इज नॉट गोइंग टू बी टू मच ऑफ अ पेन। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग इट विद इन द सिटी, मारुति सुजुकी की सारी गाड़ियों की खासियत यही है कि ABC पेडल्स आर वेरी नाइस एंड सॉफ्ट, आपका जो स्टीयरिंग इनपुट है वो भी काफी लाइट है, सो इट मेक्स दिस XL6 अ नाइस एंड जिपी फन कार, इवन दो इट इज क्वाइट बिग, इट इज अ 6-सीटर प्रॉपर MPV। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो स्टीयरिंग व्हील इज अ लिटिल ऑन द वीक साइड, इट इज एन EPS यूनिट, ज्यादा शार्प और प्रिसाइज फील नहीं होता है, और सेंटर पुलबैक भी थोड़ा वीक है, बट देन काम चलाने जैसा है। अगर आपको सिर्फ एक बेसिक फैमिली कार चाहिए एंड यू आर नॉट रियली एक्सपेक्टिंग एक बहुत ही ज्यादा रिच डायनामिक कार आपको मिले फॉर दिस काइंड ऑफ मनी। अब ये इसका मैनुअल वेरिएंट है, तो क्लच ट्रैवल की अगर बात करें तो क्लच ट्रैवल मीडियम थ्रो है, लेकिन क्लच एक्शन जो है इट इज ऑल्सो ऑफ अ मीडियम एफर्ट, सुपर लाइट क्लच नहीं है, तो हल्का सा आपको एफर्ट जरूर देना पड़ता है टू ऑपरेट दिस क्लच। इफ यू आर एक्चुअली टायर्ड ऑफ यूजिंग द क्लच फॉर लॉन्ग इन द पीक आवर ट्रैफिक हमारे इंडियन स्ट्रीट्स पे, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसका जो 4-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वेरिएंट है वो खरीदेगा, तो उसमें आपको ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस मिलेगा। अभी जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हो इस गाड़ी में आपको SHVS मिलता है। अब 138 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जो है वो ज्यादा सुपीरियर तो नहीं है फॉर एन MPV, ये एक बड़ी गाड़ी है, और जब आप इसमें 5 लोग या 6 लोग किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे 138 न्यूटन मीटर्स इज एक्चुअली गोइंग टू फॉल शॉर्ट, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन दैट SHVS टेक्नोलॉजी वर्क्स ब्रिलियंटली। अब जब आप डीजल वेरिएंट्स जो मारुति सुजुकी की गाड़ियां हैं विद SHVS वो चलाते हो तो आपको जो टॉर्क असिस्ट फंक्शन है वो इतना फील नहीं होता है, लेकिन स्पेशली इन दिस कार विच इज रियली बिग विच नीड्स दैट टॉर्क असिस्ट, वो SHVS टेक्नोलॉजी इस पे काम करते वक्त आपको काफी आसानी से फील होती है। बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो एंड इफ यू हैव नॉट डाउन शिफ्टेड टू फर्स्ट, अगर आप सेकेंड में ही गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हो यू गेट अ वेरी गुड टॉर्क असिस्ट बिफोर इट स्टार्ट्स बिल्डिंग नाइस पावर टू यू नो कीप बिल्डिंग मोमेंटम। तो होता यह है कि आपको डाउनशिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंजन नॉकिंग या स्टॉलिंग साइंस आपको नहीं देगी और गाड़ी जो है आराम से प्रोग्रेस करेगी, तो उसकी वजह से आपको गियर चेंजेस ना करने की वजह से आपको कंफर्ट मिलेगा गाड़ी चलाते वक्त और काफी आसानी होगी। अब ये जो XL6 मैनुअल वेरिएंट है ये आपको एक 5-speed गियरबॉक्स मिलता है, इसका जो ऑटोमेटिक है उसमें आपको 4-speed ऑटोमेटिक मिलता है, हमने उसके लिए अलग वीडियो अपलोड किया है तो जरूर वो चेकआउट कीजिएगा, तो आपको उस गाड़ी के बारे में भी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। दैट ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भले ही आपको लग रहा है कि 4-speed गियरबॉक्स इज नॉट रियली दैट सुपीरियर, काफी अच्छा है वो, तो वीडियो जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा उसके बारे में सब कुछ। ये मैनुअल गियरबॉक्स जो है गियर गेट्स काफी वेल डिफाइंड है और गियर थ्रो जो है वो भी एकदम शॉर्ट है, तो गियर चेंजेस करते वक्त आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, एंड ऑल्सो बिकॉज गियर गेट्स अच्छे से डिफाइन किए गए हैं
तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल भी नॉची फीलिंग नहीं है, गियर स्लॉट्स काफी अच्छे से हो जाते हैं इन दिस XL6। अब ये देखिए, यूटर्न मारते वक्त गाड़ी भले ही बड़ी है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी टू मैनूवर, तो सिटी में भी आपको इसकी वजह से बेनिफिट मिलने वाला है जब आप इस गाड़ी को चलाओगे। अगर ये आपकी फैमिली कार होने वाली है एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू यूज दिस एज अ शॉफर ड्रिवन व्हीकल फॉर योर ऑफिस, यू विल स्टिल बी हैप्पी इन द XL6। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको एक डीजल वेरियंट मिल जाता विच ऑब्वियसली वुड हैव कम विथ मोर टॉर्क, दैट कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर देन दिस पेट्रोल वेरियंट, बट देन दिस पेट्रोल इंजिन is also good enough, this 1.5 liter motor, ये नया बनाया गया है मारुति सुजुकी की तरफ से and it offers very good drivability. Obviously mileage जो है claim जो है 19 के ऊपर का है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाने वाले हो या अगर आप थोड़ी तेज चलाने की कोशिश करते हो इस गाड़ी को for a long period of time, तो आपको mileage figure जो है वो करीब करीब 11 से 12 का मिल जाएगा. And if you drive out on the open highways for a really nice long drive, या अगर आप वेकेशन पे जा रहे हो तभी आप 15 से 16 का माइलेज आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हो विद अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ वेट इन द कार, यानी कि अगर आप 2 से 3 जन जा रहे हो. इफ यू आर जस्ट ट्रैवलिंग अलोन और गाड़ी में जो है वेट ड्रैग ज्यादा आपको नहीं करना पड़ रहा है, तो मे बी 18 का माइलेज आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि आप 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही गाड़ी चलाओ. अब ये जो मारुति सुजुकी की XL6 है, ये गाड़ी जो है एक 6 सीटर है. ऑब्वियसली वो लोग इसे लेने वाले हैं जिन्हें बेटर कम्फर्ट चाहिए इस गाड़ी में से. तो कम्फर्ट की अगर बात करें तो पहला पॉइंट आ जाता है NVH लेवल्स का. गाड़ी में विंड नॉइज वगैरह ठीक ठाक कंट्रोल किया गया है. Yes, this is a Maruti Suzuki. Yes, this is not too expensive compared to other cars. Say, for example, like the Mahindra Marazzo or the Toyota Innova Crysta. In that comparison, ये गाड़ी जो आपको package offer करती है overall, it is very well balanced. Road noise हल्का हल्का आपको अंदर सुनाई देता है, but that is only when the road conditions turn out to be really bad. अगर रास्ते पे जो tar है, वो बहुत ज़्यादा rough है, भले ही एक स्ट्रेट पैच हो, भले ही खड्डे ना हो, इवन ऑन अ रफ टार पैच यू विल गेट टू हियर द रोड नॉइज इनसाइड, बट उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते. इंजन नॉइज जो है वो गाड़ी में काफी वेल कंट्रोल्ड है. अगर आप गाड़ी आराम से 80 के स्पीड पे चला रहे हो इन दिस XL6, आपको इंजन नॉइज जो है वो कैबिन में बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है. इफ यू आर ड्राइविंग क्लोज टू 80 किलोमीटर पर आवर, इंजन RPM जो है इट इज अ लिटिल ओवर 2000 RPM, लगभग 2300 RPM के करीब ये गाड़ी चल रही होती है एट 80, एंड इट इज वेरी नाइस एंड रिलैक्स एट द स्पीड. गाड़ी काफी स्टेबल भी फील होती है, गाड़ी काफी कंपोज भी फील होती है. सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन जो है वो अच्छे से डैम्प भी कर देता है रोड कंडीशंस को. अगर आप बहुत ज्यादा तेज चलाते हो ओवर बम्प्स, तो आपको फील होगा कि पीछे की तरफ से थोड़ी वर्टिकल मूवमेंट आपको ज्यादा फील होगी. एंड इन द ऑटोमेटिक वेरियंट बाय द वे आपको ESP मिल जाता है, विच इज गोइंग टू मेक द कार अ लॉट मोर स्टेबल जब आप घाट रोड्स में गाड़ी चला रहे हो. When you compare it with this manual variant of the XL6, तो उस automatic variant में आपको एक extra feature मिल जाता है, which is actually good for your safety, and the automatic is also offering you good convenience. High speeds की अगर बात करें, तो ये गाड़ी आराम से 140-150 plus आप चला सकोगे. I do not recommend high speed driving. 80 के ऊपर आपको एक speed buzzer warning, एक single beep जरूर सुनाई देती है. 120 के ऊपर एक कांस्टेंट बीप आपको सुनाई देगी, बिकॉज़ द गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी कि लोगों ने गाड़ी की स्पीड जो है वो कंट्रोल में रखनी चाहिए, बिकॉज आवर रोड्स आर नॉट दैट ग्रेट एंड आल्सो द रोड यूजर्स आर नॉट दैट वेल एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर रोड सेंस. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches, आप देख सकते हो. मैंने विजिबिलिटी के बारे में आपको पहले भी बताया, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू लुक अराउंड इन दिस कार एंड आई हैव नो डिफिकल्टीज एट ऑल. जस्ट इन केस मैं एकदम बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाले रोड में आ जाता हूँ या कोई ऐसी छोटी गलियों में गाड़ी चलाने की कोशिश करता हूँ. ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कम्स विद डिस्क ब्रेक्स एट द फ्रंट, ड्रम ब्रेक्स एट द रियर. आपको ABS विद EBD और ब्रेक असिस्ट मिलता है एंड द ब्रेक्स आर गुड इनफ. तो ये देखिए, अगर आप सडनली इमरजेंसी ब्रेकिंग करने की कोशिश करते हो, ज्यादा नोज डाइव नहीं है. दिस इज नॉट अ टिपिकल MPV MUV जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और वॉलोई आपको फील होती है. उसकी वजह से जब आप इमरजेंसी ब्रेक करोगे तो नोज डाइव जो है, बोनेट एरिया से गाड़ी ज्यादा दबेगी नहीं, उसकी वजह से आपको फॉरवर्ड मूवमेंट ज्यादा फील नहीं होगा. ऑब्वियसली द जी फोर्सेस आर गोइंग टू मूव यू फॉरवर्ड, बट यू विल नॉट फील दैट नोज डाइव, व्हिच अगेन इज गोइंग टू मेक यू फील कंफर्टेबल इन दिस XL6. तो अगर आप मुझे पूछोगे किसके लिए बनी है ये गाड़ी, अब अगर आपके पास एक ड्राइवर है और अगर आप ये गाड़ी एक फैमिली पर्पस के लिए खरीदना चाहते हो, या आपके पेरेंट्स के लिए, या आपके शॉफर ड्रिवन पर्पस के लिए, तो आप मैनुअल गाड़ी खरीद सकते हो, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी समवन एल्स ड्राइविंग फॉर यू. लेकिन अगर आपको खुद गाड़ी चलानी है,
इफ यू वॉन्ट टू यूज दिस कार एज योर डेली कार, और इसके अलावा आपको वेकेशन पे भी ये गाड़ी यूज करनी है बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू गुड अमाउंट ऑफ कम्फर्ट फॉर सिक्स पीपल, तो आप इसका ऑटोमेटिक वेरियंट खरीद सकते हो विच ऑफर्स यू गुड कन्वीनियंस और उसकी ड्राइवेबिलिटी भी काफी डिसेंट है। उसमें आपको डी के अलावा विच इज द स्टैंडर्ड ड्राइव मोड आपको एल मोड मिलता है जिसमें आप सिर्फ फर्स्ट गियर पे गाड़ी लॉक करके रख सकते हो, एंड यू ऑल्सो हैव अ टू मोड जिसमें आप गाड़ी सेकंड गियर पे लॉक करके रख सकते हो, एंड यू ऑल्सो टर्न ओडी ऑफ ओवरड्राइव ऑफ इन दैट कार। वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, हमने काफी सारा नॉलेज जो है आपके साथ शेयर किया है अबाउट दैट गियर बॉक्स। सो लेट मी नो व्हाट इज योर प्रेफरेंस, क्या आप XL6 का मैनुअल वेरियंट खरीदोगे या आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट खरीदोगे? क्या आपको लगता है कि ये गाड़ी आपके लिए इकोनॉमिकल होगी? इज दिस कार गोइंग टू बी गुड इनफ फॉर यू? टिल नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग गियर्स चैनल, आई विल सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो, एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट, एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप आपकी आगे वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें।